नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लवी चौधरी और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। तो बात करते हैं कंगना रनौत के रियलिटी शो लॉकअप की। कंगना रनौत की कॉन्ट्रोवर्शियल जेल में सभी कैदियों ने अपने अलग अलग अंदाज से धमाल मचाया हुआ है। शो को दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। इसी बीच शो से पहला एविक्शन हो गया और बीते दिन कंगना की जेल से पहले कैदी को रिहाई मिल गई है। जी हाँ, शो के पहले हफ्ते में ही स्वामी चक्रपाणी महाराज एलिमिनेट हो गए। आपको बता दें कि जेल से बाहर होने के लिए 5 कंटेस्टेंट्स एलिमिनेशन के घेरे में थे, लेकिन मुनव्वर फारूकी ऑडियंस के सबसे ज्यादा वोट्स मिलने की वजह से सेव हो गए। तो वहीं घर वालों ने शिवम शर्मा को अपने वोट्स देकर सेव कर लिया। शिवम और मुनव्वर के सेव होने के बाद बॉटम थ्री में सिद्धार्थ शर्मा, अंजलि अरोड़ा और स्वामी चक्रपाणी महाराज थे। लॉकअप से सबसे पहले स्वामी चक्रपाणी महाराज एलिमिनेट हो गए। खास बात यह है कि स्वामी ने खुद कहा कि वो जाना चाहते हैं, इसलिए सिद्धार्थ शर्मा को सेव कर लिया जाए जो उनके साथ बॉटम टू में थे। खैर, कंगना की जेल में रहना इतना भी आसान नहीं है। कंगना ने बॉटम थ्री सेलेब्स को सुरक्षित होने के लिए अपने सीक्रेट्स रिवील करने को कहा। सबसे पहले अंजलि ने बजर दबाया और अपना सीक्रेट रिवील करके वो जेल से बाहर होने से सेव हो गई। अंजलि ने सबसे पहले अपने सीक्रेट का खुलासा करते हुए खुद को नॉमिनेशन से बचा लिया। इसके बाद स्वामी चक्रपाणी और सिद्धार्थ शर्मा को अपने सीक्रेट्स शेयर करने थे, लेकिन स्वामी खुद ये कहकर पीछे हट गए कि उनके करियर में ये शो कुछ खास नहीं कर पाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शो की बदौलत सिद्धार्थ शर्मा को काफी कुछ हासिल हो सकता है और इसी वजह से वो इस शो से बाहर जाना चाहते हैं। स्वामी के फैसले को सुनकर कंगना रनौत भड़क गई। उन्होंने कहा, मुझे लगा कि आप मजबूत कंटेस्टेंट हैं। जिस दिन चार्जशीट पर आपने खुद का नाम लिख दिया था, मैं तभी से आपके लिए कुछ भी नहीं कह रही हूँ। आप जेल से बाहर जाना चाहते हैं, खुद को डिजर्विंग नहीं मानते हैं। मुझे नहीं पता कि आप बलिदान देकर साबित क्या करना चाहते हैं। दुनिया ऐसे नहीं चलती है। खैर, कंगना रनौत का रियलिटी शो लॉकअप काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे और क्या क्या होता है।